हेलो गाइज नमस्ते अनि फेबुलास स्वागत छ हजुर फेरि पनि विनोद ग्याबा ब्लगमा. अब सबैको मेरो युट्युब च्यानल विनोद ग्याबा युट्युब च्यानलमा स्वागत गर्न छ. त उसो गाइज आज मेरा चौथा दिन है टुर का. हाँ तो आज चार दिन के बाद मैं आज फर्स्ट इंट्रो बना रहा हूँ. किस कारण बस मैंने इंट्रो नहीं बनाया था तो मैंने वीडियो जितना भी बनाया वो मैं डालने की कोशिश कर रहा हूँ. तो आप लोगों लास्ट देखिएगा क्या कैसा लगेगा. हाँ तो आज मेरा लास्ट होल्ड सिमाना में था मेरे गेस्ट का, तो वहाँ से मैं आज पिकअप करके अभी लेके आ रहा हूँ. तो अभी पशुपति में गया हुआ है. हाँ पशुपति मार्केट गया हुआ है. अभी वहाँ से यहाँ से पिक करके फिर लेके मैं अभी मिरिक लेक मिल ले जाऊंगा और उसके बाद मैं डायरेक्ट एनजीपी जाऊंगा. गाइस देखिए बारिश आ रहा है. हाँ वो देखिए टंग 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 कर रहा है पूरा. देखिए पूरा पानी है गाइस. पूरा ठंडा का मौसम है. अभी देखिए मई महीने में बहुत ठंडा है इधर है दार्जिलिंग में. अभी मिरिक इधर पशुपति सिमाना हो गया. हाँ तो इधर का नज़ारा कुछ और है. मज़ा है, ठंडा है. हाँ अभी सिलगुड़ी में जाएंगे तो बहुत गर्मी. अभी जैकेट पहन रखा. अभी देखिए जैकेट पूरा पहन रखा हूँ. देखिए गाइस अभी ऐसा है यहाँ खाना जाना. तो अगर आप लोग भी आना चाहते हो तो ये मेरे वीडियो देखिए कि रास्ता कैसा क्या लगेगा. फिर आप लोग भी घूमने के लिए मौका आप लोग बनाइए, आपने प्लान बनाइए और फिर घूमने के लिए आ जाइए. कीपोनवा सिंह हाइच सो गाइस हम लोग यहाँ फाइनली आ गए नीचे. यहाँ जोगी घाट एंगिंग ब्रिज की ओर. ये है सिटोंग के नीचे जहाँ पे जो जोगी घाट में यहाँ पे स्थित है. बट बहुत पुराना है ये एंगिंग ब्रिज, लेकिन अभी तक है जो भी है. लेकिन इसी के चलते यहाँ पे बनाया हुआ है अभी नया. ये तो एकदम टकाटक बनाया हुआ है, गुंजाइश नहीं है. हाँ मेरा गेस्ट बुक घूम रहा है. हाँ मेरा गेस्ट बुक यहाँ पे अभी घूम रहा है. हाँ तो अभी हम यहाँ से जाएंगे. हाँ देखिए अगर आप लोग भी आना चाहते हैं तो सिटोंग के अंदर नीचे हैंगिंग ब्रिज से स्थित है यहाँ पे जोगी घाट. ये रिवर जोगी घाट का नाम से जाना जाता है. देखिए सब मज़े ले रहा है. जो मैंने खड़ा कर लिया गाड़ी यहाँ पे. हम हाल डाणा वहाँ पे बैठ रहे. बीटी कॉलेज गाइस ये तक गरम भएछ होला, पुरा गरम भएछ. गरम भयो अँ पानी भएर मैला पानीमा गाइस. देखि अब म फाइनली यहाँ टेप्स जगेदेखि यहाँ फाइन फरेस्ट आयो. तो यहाँ पे टी स्टल है. यहाँ से जाना पड़ेगा आप लोगों को. यहाँ पर जाके देखिए कितना घना फॉरेस्ट है, पाइन फॉरेस्ट. तो गाड़ी पार्किंग ली है. हाँ बाप रे यस्तो आउँछ क्लाउड अन द मेक. कैसा लगा आपको पाइन फॉरेस्ट? पाइन फॉरेस्ट मेघ मेघ पूरा है पूरा बादल छा गया है. हाँ जी. और
होटल लिए आपने? देखिए तो हाँ सब शूटिंग कर रहा है अभी, देखिए सब शूटिंग, सब शूटिंग के लिए जा रहा है। यहाँ से निकलने वाले हैं हमारा ये सूरज भाई का होम स्टे से, तो मैडम हम लोग अभी नाश्ता निकल रहा है। हेलो सर, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, कैसे आप लोग? और कैसा रहा यहाँ का आज का होल्ड, आज का स्टे यहाँ का शिमाना, शिमाना का बहुत अच्छा मैडम। तो सर ठीक है, अभी हम निकलेंगे यहाँ पशुपति होके, फिर मिरिक लेक होते हुए फिर हम इसे सिलगुड़ी की तरफ है ना, तो एंजॉय कीजिए आप लोग। सो गए जहाँ अभी हम यहाँ से थोड़ी देर में निकलेंगे, तो यहाँ हमारा गेस्ट लोग अभी नाश्ता कर रहे हैं, यहाँ हम लोग काम हुनुहुन्छ है हाँ भेबुला। हाँ तो एकदम खाना पिनामा एकदम सबजना व्यस्त छ है बहिनीहरू नारीहरू इस हेर्दैछ है एकपल्ट हरि हुन्छ भाइ उठेको छैन क्या है कसैको हो भाइ चाहिँ आमा माजु त उकाल है सोका हेरिहाल्नुहोस् है। आज यहाँको नजारा चाहिँ यसो है बारका देखिए पुरा बारिस सबै है, बारिस आ रहा है उसके साथ साथ क्लाउड भी ज्यादा है, तो अभी ऐसे मौसम में कैसे घुमेगा टुरिस्ट लोग बेचारा है ना। देखिए कहाँ कहाँ से आ रखा है अभी तो कुछ नहीं, आज का दिन ऐसा रहा, कल तो अच्छा था, कल भी अच्छा ही होगा है ना, आज का मौसम थोड़ा खराब है। तो गाइस यहाँ है हमारा सूरज भाई का होम स्टे, तरफ जा रहा हूँ रूम नंबर 102 103 ऊपर की तरफ जाएंगे। तरंग तरंग देंग सोच भाई नो सर भाई, लेकिन यहाँ पे हाथ जोर सो से आ रहा है बीमार हो जाएगा भाई। अभी गेस्ट लोग आ रहा है मेरा, और गाइस देखिए फूल कितना अच्छा फूल रखा है यहाँ, तो टाइम फूल फूले सो हेरे हाल जीरो नेम पनि यस्तो टाइम फूल है, उसका नाम जीरो नेम है गाइस पेटुनिया रंग बिरंगा। तो अभी थोड़ा क्या ये बारिश कम हो गया, हरा भरा देख रहा है सारा भरा गोपाल धारा टी गार्डन में आ गया हम लोग अभी। चाय पत्ती खरीद रहा है यहाँ पे। हेलो फ्रेंड्स, वी जस्ट रीच एनजीपी एंड वी फाउंड मिस्टर विनोद, ही इज़ अ वेरी काइंड एंड जेंटल पर्सन, उन्होंने हम लोगों को बहुत अच्छी तरह से घुमाया, पूरा ख्याल रखा हम लोगों का, सेफ सिक्योर जानी उन्होंने दिए हैं हम लोगों को और सारा जानकारी उन्हीं से हम लोगों को मिला। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अगर घूमने के लिए आएंगे तो ज़रूर 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 विनोद जी का गाड़ी को आप लोग सवार करें और विनोद जी को लेके घूमिए, आपका सफ़र अच्छा रहेगा ये मैं आप लोगों को कह सकता हूँ, और सफ़र बहुत बहुत सुंदर रहेगा। हैव ए नाइस ट्रैवल विद मिस्टर विनोद,
That's all what I have to say. Thank you very much.